वेलकम टू फायजा किचन एंड व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अनार पोमेग्रेनेट उसके बेनिफिट्स। जी हाँ, इसके बेहतरीन फवायद हैं। आपको पता होगा कि ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है अपने अंदर। अनार में इतना विटामिन सी होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए भी अनार बहुत फायदेमंद है और ब्लड प्रेशर को लो करता है। अगर आप रोज इसका 2 हफ्ते तक एटलीस्ट इस्तेमाल करके देखें, ज्यादा मिकदार में नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो आप अपने अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। आपकी स्किन, आपके बाल बहुत बेहतरीन खूबसूरत हो जाएंगे। स्किन के लिए तो मतलब ये एक एंटी एजिंग बेनिफिट्स रखता है अपने लिए। और आप देखिएगा कि जब आप अनार का जूस पियेंगे या अनार को खाएंगे तो उससे आपके हेयर फॉलिकल्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस फल में तो इतनी ताकत है कि ये कैंसर से प्रिवेंट करने में बेहतरीन माना जाता है। और मतलब इसके इतने फवायद हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसको जूस बना के पी लेना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चबा के खाना पसंद नहीं करते, या आपके घर में बुजुर्ग लोग हों जो कि अनार के दानों को नहीं चबा सकते, उनके दांत में तकलीफ हो, तो बेहतरीन है कि फिर इसका जूस पी लिया जाए। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी 3 तरीके। पहला तरीका कि हम किस तरीके से अनार को फ्रीज कर सकते हैं 6 महीने से भी ज्यादा के वक्फे के लिए और ये फ्रीजर में स्टोर रहेगा। दूसरा तरीका कि किस तरीके से हम इसके जूस को निकाल के और हम इसको ट्रे में क्यूब्स के फॉर्म में फ्रीज करेंगे, किस तरीके से, वो आप वीडियो में पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और तीसरा तरीका कि हम इसके जूस को निकाल के फ्रिज में कितने दिनों के लिए रखेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये देखिए, अनार छील लिया हमने। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको अपनी ट्रिक सिखाऊंगी अनार छीलने की, जिससे बहुत ही जल्दी बड़े आसानी से छिल जाता है। वरना काफी लोग कहते हैं कि अनार छीलना बहुत ही टाइम टेकिंग काम है। नहीं, मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस तरीके से छीलती हूँ 2 मिनट में छिल जाता है। सबसे पहले हम ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें ये छिला हुआ अनार सारा शिफ्ट कर देंगे। मेरे पास मौजूद है 2 अनार, एक अनार मैंने आपको छिला हुआ दिखाया अभी, तो उसको अब हमने ब्लेंडिंग जार में डाल लेने के बाद, अब आपकी मर्जी है। मेरे पास ऑर्गेनिक शुगर भी होती है घर में और वाइट शुगर भी है। वैसे तो हम बहुत ही थोड़ा सा डालते हैं क्योंकि इतने मजे के अनार आ रहे हैं आजकल, मगर फिर भी अगर किसी को ज्यादा मीठा पीने का शौक हो तो वो कोई सी भी शुगर का इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं इस वक्त डाल रही हूँ ऑर्गेनिक शुगर। एक पूरे अनार में तकरीबन 2 टेबल स्पून हो गया ये। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ब्लैक सॉल्ट, वो भी आप समझ लीजिए बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 2 चुटकी। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है काला नमक, जिसे हम कहते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, इतना कि ये आराम से ब्लेंड हो जाए। बस अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। वीडियो में आपने देखा मैंने 2.5 डाले हैं, मगर मैंने आपको 2 टेबल स्पून बोला है, इसलिए क्योंकि मेरा स्पून का साइज छोटा था तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 टेबल स्पून डालेगा। ये देखिए, बस अब हम इसे अनार के जूस को छलनी की मदद से छान लेंगे। ये मैंने स्ट्रेनर रखा है एक ग्लास बोल के ऊपर, और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से स्पून की मदद से हिला हिला के छान लेंगे। और ये देखिए, इसका सारा जूस नीचे आ जाएगा और ऊपर इसकी ये सिर्फ बीज रह जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसके छोटे भी हो गए, मगर वो इस छलनी में रुक जाएंगे। आप देख सकते हैं, बस अब ये छलनी में सिर्फ इतना सा रह गया है। बस अब हम इसे फेंक देंगे और ये इस तरह से बाकी का भी सारा जूस हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने दूसरे अनार को भी छील के फ्रीजर में फ्रीज कर लिया है और ये कितने अच्छे तरीके से फ्रीज हो गया है। अब हम इसे जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर देंगे। अनार का जूस बिल्कुल सुबह सुबह पीना बहुत फायदेमंद है। एकदम से आपको बहुत एनर्जी मिलती है क्योंकि इसमें नेचुरली बहुत शुगर होती है और आपके दिन भर काम करने में आपको बहुत हेल्प आउट करता है। एकदम से जैसे कि एनर्जी कहाँ से बूस्ट अप हो जाती है पता ही नहीं चलता। अनार के बहुत फायदे हैं, खून बहुत बनाता है ये हमारी बॉडी में, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों को खून की कमी हो उन्हें अनार का इस्तेमाल रोज थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में करना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसकी एयर निकाल के अब इसको सील कर दूंगी और फ्रीजर में आराम से आप 6 से 12 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। अनार के जूस के ऊपर जो ये हल्का सा झाग सा आप देख रहे हैं, मैं इसको क्योंकि स्टोर करूंगी तो इस वजह से मैं इस झाग को निकाल लूंगी इस तरीके से चमचे की मदद से। जरूरी नहीं है कि पूरा निकाला जाए, मगर जितना निकाल लिया जाए अच्छा है। जो लोग इसे फ्रेश फ्रेश कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है,
मगर क्योंकि मैं आपको इसमें तीन तरीके बताऊंगी तो मैं इस वजह से इसको निकाल लूंगी। और ये देखिए अब हमारे पास जूस रह गया है। अब हम इसे स्टोर करने का तरीका बताते हैं। अब हम आइस ट्रे में या फिर आप चाहें तो छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स अगर आपके घर में हो तो इनमें भी जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उतनी डाल के फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं आपको आइस ट्रे में करके बताती हूँ। इस तरीके से आप आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीज कर लें। 6 से 12 महीने तक आराम से ये साल भर आपके फ्रीजर में रह सकता है। जब चाहें जितनी आइस क्यूब्स निकालें और आप उसको ग्लास में डालें, थोड़ा पानी ऐड करें, चाहें तो उस वक्त अगर आपको शुगर ऐड करनी हो तो ऐड करें और बस फिर उसको एंजॉय करें। आइस क्यूब ट्रे जा चुकी है फ्रीजर में और अब मैंने अपने ग्लास में आइस क्यूब्स डाली है और फ्रेश जूस को एंजॉय करने के लिए अब मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी बाकी का जूस। आप चाहें तो इस वक्त ये जो जूस बोल में बचा है इसको आप डायरेक्टली किसी ग्लास जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं और 4-5 दिन आराम से ये फ्रिज में रहता है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें से खट्टी सी स्मेल आने लगे तो फौरन डिस्कार्ड कर दीजिएगा। बस वही टाइम होता है, पता चल जाता है कि बस अब ये एक्सपायर हो चुका है, वरना तो आप इसे फ्रिज में रख के भी यूज कर सकते हैं। तो ये है वो फ्रीज हुए हुए पोमीग्रेनेट जूस के क्यूब्स। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और जिप लॉक बैग में फ्रीज कर लेंगे। ये देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं। अब इन सारे क्यूब्स को हम एक ज़िप लॉक बैग में लेके अप टू 6 मंथ्स तक, 6 महीने तक हम इसे फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं जब जब चाहें, क्योंकि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड जूस है। बिल्कुल हमने इसमें पानी बिल्कुल समझ लें कुछ टेबल स्पून ही ऐड किया था, इस वजह से ये बहुत ही गाढ़ा है। तो आप इसको एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें 4 क्यूब्स डाल दीजिए। अब मेरे क्यूब्स के तो साइजेस भी बहुत छोटे हैं, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आप ट्रे या जो भी आप चीज़ यूज करेंगे और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए टेस्ट के हिसाब से पानी के साथ आप मिक्स करके पी सकते हैं। तो ये थी मेरी तरकीबें पोमीग्रेनेट जूसेस को सेव करने की, पोमीग्रेनेट के दानों को सेव करने की। और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की और अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपको दिखा सकूं। ये देखें बिल्कुल छोटा सा पैकेट है, ये आराम से फ्रीजर में कहीं भी फिक्स हो जाएगा। चलो फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।